नाउ वी विल स्टार्ट विद कम्युनिकेशन मॉडल. तो कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन मॉडल में हम देखेंगे कि व्हेन एनी टू डिवाइसेस वांट टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. हमारे पास दो डिवाइसेस है, एक को हम सेंडर कहेंगे जो कि सेंड करना चाहता है कोई इंफॉर्मेशन. ठीक है, दूसरे को हम रिसीवर कहेंगे जो कि रिसीव करना चाहता है इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो तो यू आर द सेंडर एंड अदर वन इज द रिसीवर. या आप यहाँ से कोई ईमेल सेंड करना चाहते हो, यू आर द सेंडर और जिसको ईमेल आप भेज रहे हो वो रिसीवर है. तो ये दो एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे कम्युनिकेशन में. ठीक, नाउ तीसरा हमारे पास आ जाता है द मैसेज, द थिंग दैट यू वांट टू शेयर. आप अपने फ्रेंड को क्या सेंड करना चाहते हो, आप दूसरे के साथ क्या शेयर करना चाहते हो, द थिंग दैट यू वांट टू शेयर और सेंड टू द रिसीवर. जिसको आप सेंड करना चाहते हो दैट इज अ मैसेज. तो ये हमारे पास एक और एलिमेंट आ गया इस कम्युनिकेशन में. देन ये मैसेज कहाँ से ट्रैवल होगी. अब हवा में से तो ट्रैवल नहीं होगी जब तक कि कोई मीडियम ना हो जो कि इसको हैंडल कर रहा है. तो दैट इज कॉल्ड ए कम्युनिकेशन मीडियम. अब ये कम्युनिकेशन मीडियम भी आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने किस्म के कम्युनिकेशन मीडियम हो सकते हैं. तो हमारे पास फिजिकल कम्युनिकेशन मीडियम हो सकता है, एयर हमको हम यूज कर सकते हैं, वायरलेस जो हमारे पास आता है, तो एंटेना टाइप हो सकता है. तो कम्युनिकेशन मीडियम हमारे पास आता है, दिस इज अवर फोर्थ एलिमेंट. ठीक, अब देन फिफ्थ वन इज द सेट ऑफ रूल्स. कौन से रूल्स, विच विल गवर्न हाउ दिस डेटा, हाउ दिस मैसेज विल ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पोस्ट ऑफिस की एग्जाम्पल देता हूं. मेरे पास एक पोस्ट ऑफिस है और मुझे किसी फ्रेंड को दूसरे पोस्ट ऑफिस पे मैसेज भेजनी है. पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही मैसेज आती है, मेरे को किसी फ्रेंड को मैसेज भेजनी है और यहाँ पे मैं मैसेज सेंड करना चाहता हूँ. तो क्या ये मैसेज ऐसे ही चली जाती है कि देयर आर सम रूल्स दैट आई हैव टू फॉलो. तो डेफिनेटली देयर आर सम रूल्स. पहले मैं एक मैसेज बनाता हूं. ठीक है, इस मैसेज में मैं अपना एड्रेस देता हूं, मैं सेंडर का एड्रेस देता हूं, उसके बाद इसको लिफाफे में डालता हूं. उसके बाद अगर इसमें कुछ जो वो टिकट वगैरह हम डाल देते हैं वो डाल देते हैं. उसके बाद आई टेक इट टू द पोस्ट ऑफिस या मैं पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डालता हूँ. ठीक है, पोस्ट ऑफिस वालों को देता हूँ. पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, उसको लोकल लेवल पे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको अपने हेड ऑफिस पे भेजते हैं. किसके थ्रू भेजते हैं, क्या ये हवा में चली जाती है, नहीं, वो अपना व्हीकल यूज करते हैं. ठीक है, या बस के जरिए, जिसके जरिए भी वो उसको भेजते हैं. दे कैन यूज एयर मीडियम, जैसे आप फ्लाइट या प्लेन के जरिए जाता है तो वहां पे ये चला जाएगा. अब जब ये चला जाएगा दे पाइल अप दीज मैसेजेस. वो मेरी एक इंडिविजुअल मैसेज को नहीं लेंगे, वो डिफरेंट मैसेजेस को पाइल अप करते हैं और गाड़ी के एक बड़े डब्बे में डाल देते हैं. फिर ये हेड ऑफिस पहुंच जाते हैं और हेड ऑफिस पे डिफरेंट जो हमारे पास डिफरेंट पोस्ट ऑफिस है तो उनके डिफरेंट मैसेजेस वहां पे पहुंच जाती है. तो वो उन सबको कलेक्टिवली सेंड कर देते हैं दूसरे हेड ऑफिस पे, जहां पे मुझे भेजना है वहां पे अपना हेड ऑफिस है. तो इनका अपना कम्युनिकेशन मीडियम है, ये बाय एयर भी भेज सकते हैं, ये गाड़ी के जरिए भी भेज सकते हैं, ये ट्रेन के जरिए भी भेज सकते हैं. और ये इनको एड्रेस देते हैं, इनको पता है एड्रेस क्या होता है, हमारे पास पिन कोड होता है, इस पिन कोड के मुताबिक ये डिलीवर कर देते हैं कहाँ पे भेजना है. ठीक, तो यहाँ पे जब ये दूसरे हेड ऑफिस पे पहुंच गया उनको पता है अब लोकल पोस्ट ऑफिस कहाँ है जहाँ पे मुझे इसको ये डिलीवर करना है. तो इसमें से ये इस मैसेज को निकालते हैं जो मैसेजेस पर्टेन करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को. तो ये मैसेजेस यहाँ पे भेज देते हैं. ठीक, यहाँ पे ये एड्रेस चेक करते हैं और उसके बाद उस लोकलाइज्ड एरिया पे, जो लोकल एरिया है वहां पे मैसेज भेज देते हैं और यहाँ पे मेरे इस फ्रेंड को ये मैसेज मिल जाती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में भी प्रोसीजर, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक मैसेज भेजनी है, कोई चिट्ठी भेजनी है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन बिटवीन. बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती है.
So there are rules, there are channels, there are people who are handling this, there are different post offices which are handling it. So same happens if we want to communicate over the internet, if we want to communicate over the devices. मेरे पास एक sender है, इसको मैसेज भेजनी है रिसीवर को. अब ये मैसेज पहले मुझे देखना है कि ये मैसेज किस फॉर्म में होगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा. ठीक, उसके बाद मुझे देखना है कि जब मैं इस मैसेज को भेजूंगा, इस मैसेज में पूरा एड्रेस होना चाहिए कि कहाँ भेजनी है. अब वो एड्रेस किस सूरत में होगा वो हम देखेंगे. एड्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ एड्रेसेस हम देखेंगे, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जब एड्रेस यहाँ पे डाल देता है, ये एड्रेस डाल देता है अपने फ्रेंड का, लेकिन जब पोस्ट ऑफिस वाले इसको पोस्ट करेंगे तो वो एड्रेस इसके फ्रेंड का नहीं देंगे, वो पहले अपने हेड ऑफिस पे भेज देंगे. हेड ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस पे जाएगा, वहां से लोकल पे जाएगा, लोकल से फिर अपने दोस्त को मिल जाएगा. तो मैसेज का फॉर्मेट क्या होगा, मैसेज में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी. ठीक, उसके बाद जब इस मैसेज को भेजना है तो क्या तरीका होगा इसको भेजने का. अगर हमारे पास टेक्सचुअल मैसेज है वो कैसे जाएगी, अगर ये कोई इमेज है, आप अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हो इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस वीडियोस, तो उनका फॉर्मेट क्या होगा, वो किस फॉर्म में जाएगी. ठीक, अगर हमारे पास मैसेज बहुत बड़ी है, जैसे कोई वीडियो है, एक घंटे का वीडियो आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, अब ये इस चैनल के थ्रू भेजना है, तो क्या ये डिवाइड हो जाता है पेजेस में, डिफरेंट पार्ट्स में, उसके बाद चला जाता है और फिर यहाँ पे इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है. ये रूल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स. दीज प्रोटोकॉल्स गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस. तो ये हमारा तरीका है कि कम्युनिकेशन मॉडल में वी हैव दीज फाइव एलिमेंट्स. तो हमारे पास पांच एलिमेंट्स आ गए. हमारे पास सेंडर आ गया, एलिमेंट नंबर वन. हमारे पास रिसीवर आ गया, एलिमेंट नंबर टू. हमारे पास मैसेज आ गई, दिस इज द एलिमेंट नंबर थ्री. हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम आ गया, दिस इज द मैसेज नंबर फोर, एलिमेंट नंबर फोर. एंड वी हैव प्रोटोकॉल्स रूल्स, एलिमेंट नंबर फाइव. तो जब आप नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि सेंडर क्या हो सकता है, रिसीवर कौन हो सकता है, मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, मैसेज कैसे हो सकती है, मैसेज का फॉर्मेट क्या हो सकता है, और जब ये कम्युनिकेशन हो जाएगी, व्हाट आर द रूल्स दैट गवर्न दिस कम्युनिकेशन. तो कौन कौन से रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, जिन रूल्स के जरिए हम इस मैसेज को इस सेंडर से रिसीवर तक सेंड कर देते हैं और सक्सेसफुली सेंड कर देते हैं. अगर इन बिटवीन कम्युनिकेशन चैनल में कहीं पे कुछ एरर आ गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पार्सल खो गया, तो व्हाट हैपेंस, इज देयर एनी वे टू रिकवर दैट मैसेज, वो रिकवर नहीं हो सकती. लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये डिजिटल इंफॉर्मेशन है, अगर कुछ एरर आ गया वी कैन रिकवर दैट. तो उस रिकवरी के लिए कौन सा रूल होगा, क्या तरीका होगा, वो सारे यहाँ पे हम गवर्न करते हैं. तो दिस इज द कम्युनिकेशन मॉडल. तो इन कम्युनिकेशन मॉडल वी हैव फाइव एलिमेंट्स. वी हैव अ सेंडर दैट वांट्स टू सेंड द मैसेज टू समवन. वी हैव अ रिसीवर दैट वांट्स टू रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंडर. वी हैव अ कम्युनिकेशन मीडिया दैट इज यूज्ड टू कैरी द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. वी हैव द मैसेज, एक्चुअल मैसेज दैट वी वांट टू कम्युनिकेट विद आवर रिसीवर. And then we have a set of rules that will govern, that will cover this communication between sender to receiver. And there is not a single rule, there are a set of rules, n number of rules. Ek hi rule nahi hoga. Inhi ko hum fir protocols kehte hai. Jaise aapne suna hoga TCP/IP protocol, aapne suna hoga internet protocol, to isi tarah ARP. To different protocols hamare paas hai. तो आप लोगों ने जब ईमेल भेजा होगा तो आप बोलते हैं IMAP या POP, ये प्रोटोकॉल्स है. जब आप अपने मोबाइल फोन पे ईमेल को कनेक्ट करते हो, अपने ईमेल अकाउंट को कॉन्फ़िगर करते हो, तो वहां पे आपको ये ऑप्शंस देता है कि IMAP करना चाहते हो कि POP करना चाहते हो. तो ये प्रोटोकॉल्स है, ये रूल्स है विच गवर्न की मैसेज कैसे जाएगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर. तो दीज रूल्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन मॉडल में, नेटवर्किंग में, कि ये रूल्स कौन कौन से है, सेंडर कौन हो सकता है, मैसेज को हम कैसे ट्रांसमिट करेंगे, मीडियम कौन सा होगा, रिसीवर कैसे रिसीव करेगा इसको, और उसके पास कौन कौन से रूल्स है रिसीव करने के. तो ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन मॉडल है. देन वेज ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट विद आवर रिसीवर. जब हम कम्युनिकेट करते हैं, वी कैन हैव थ्री सिनेरियोज.
एक सिनेरियो है जिसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। व्हाट इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन? ए वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, सिर्फ एक साइड से डेटा फ्लो हो रहा है। यहां पे सेंडर है और यहां पे रिसीवर है, तो ये कम्युनिकेशन वन वे जा रही है, अदर वे नहीं जा सकती। इस साइड से वापस डेटा नहीं जा सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो चैनल बीच में दी हुई है, कम्युनिकेशन मीडियम दिया हुआ है, इसमें डेटा एक साइड से फ्लो होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ये सिर्फ रिसीव कर सकता है, इट कैन नॉट सेंड, ये सेंड नहीं कर सकता, ये सिर्फ सेंड कर सकता है, इट कैन नॉट रिसीव। दिस इज कॉल्ड एज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई डेटा मॉनिटर पे प्रिंट करना चाहता हूँ, डिस्प्ले, जैसे मेरा ये स्क्रीन इस वक्त यहाँ चल रहा है, इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, तो ये सिस्टम से आ रही है, ये मेरे पास सिस्टम है, ये इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और मेरा मॉनिटर जो है वो उसको डिस्प्ले कर रहा है यहाँ। ठीक, क्या मॉनिटर कोई डेटा वापस भेज सकता है कंप्यूटर को? नहीं, यहाँ से कोई डेटा वापस नहीं जा सकता। अगर ये टच स्क्रीन है तो फिर जा सकता है, दैट इज अ डिफरेंट। अगर आपका स्क्रीन टच वाला है तो फिर टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन आप, अगर आपका स्क्रीन टच वाला नहीं है, देन इट इज ए सिंगल वे कम्युनिकेशन, जिसको हम सिंप्लेक्स। तो अगर आपको कम्युनिकेशन टाइप्स या कम्युनिकेशन वेज कहा होगा, तो फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स इज ए कम्युनिकेशन मॉडल इन विच देयर इज ए सेंडर एंड ए रिसीवर एंड द डायरेक्शन ऑफ द डेटा इज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। दिस इज ए वन वे कम्युनिकेशन। जैसे आप समझ सकते हो, हमारे पास ट्रैफिक सिस्टम होता है। अब कोई ट्रैफिक सिस्टम, हमारे पास कोई पुल है विच इज कनेक्टिंग टू सिटीज, ठीक है। अब अगर इस पुल पे सिर्फ एक गाड़ी एट अ टाइम ट्रैवल करती है, वन वे है, या हमारे पास कोई लैन होती है, मल्टी लैन हमारे पास रोड्स होते हैं, और वो सिंगल वे होता है, उसमें टू वे नहीं होता है, सिंगल वे से गाड़ियां जाती है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसी तरह आप कीबोर्ड से टाइप करते हो और वो इंफॉर्मेशन चली जाती है किसको? सिस्टम को। मेरे पास कीबोर्ड होता है, इस पे डिफरेंट कीज है, और ये इंफॉर्मेशन चली जाती है सिस्टम। तो मैं यहाँ पे जब लिखता हूँ तो ये सेंडर है और सिस्टम मेरा यहाँ पे रिसीवर है, तो वन वे कम्युनिकेशन है। कीबोर्ड कैन नॉट रिसीव इंफॉर्मेशन, कीबोर्ड में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि रिसीव कर सकता है, ये सिर्फ सेंड कर सकता है इंफॉर्मेशन। तो दिस इज अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल। तो ये कुछ डिवाइसेस में हमारे पास चलता है, जिनमें हमें चाहिए तो सिंप्लेक्स मॉडल हो सकता है। देन वी हैव व्हाट वी कॉल ए हाफ डुप्लेक्स। व्हाट इज ए हाफ डुप्लेक्स? हाफ डुप्लेक्स में वी सेंड इंफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स। ये स्टेशन वन है, ये स्टेशन टू है, ये भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, ये सेंडर भी हो सकता है, ये रिसीवर भी हो सकता है, ये भी सेंडर भी हो सकता है, एंड इट कैन बी रिसीवर एज वेल। बट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर इज वन वे कम्युनिकेशन। सिर्फ एक डायरेक्शन से डेटा जा रहा है, दोनों एट अ टाइम टॉक नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने वो वॉकी टॉकी देखा होगा, तो उसमें हम क्या करते थे, फिर एक साइड से पहले बोलते थे, फिर वहां से ओवर टू यू, वहां से दूसरा बोलता था। तो एट अ टाइम जो कम्युनिकेशन चैनल हमारे पास होती थी, इस कम्युनिकेशन चैनल में ये कैपेबिलिटी नहीं होती थी कि एट अ टाइम ये बोथ साइड से सेंड भी करे, रिसीव भी करे। तो डायरेक्शन ऑफ डेटा एट टाइम वन यहां से हो सकती है और टाइम टू पे यहां पे हो सकती है, तो दोनों एट अ टाइम सेंड और रिसीव नहीं कर सकती। अगर की कैपेबिलिटी दोनों में है, ये सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, ये भी सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी, लेकिन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कम्युनिकेशन सिर्फ एक साइड से जा रही है, ये बोल रहा है और ये सुन रहा है, तो चैनल इस डायरेक्शन में यूज हो रही है। अब रिवर्स इस वक्त नहीं चल सकता। अब अगर इसको बोलना है और इसको सुनना है, तो इसको स्टॉप करना होगा, ये अब सेंड करेगा और ये रिसीव करेगा। सो दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। हाफ क्यों है? क्योंकि एक ही साइड में एट अ टाइम हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट ऑन बोथ साइड्स। देन वी हैव द थर्ड वन। अब देखो, इसमें ड्रॉबैक है, इसमें एट अ टाइम दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सिर्फ एक एट अ टाइम कम्युनिकेट कर सकता है। देन वी हैव दिस फुल ड्यूप्लेक्स, थर्ड वन। फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब है कि स्टेशन वन और स्टेशन टू कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्टेड है, एंड बोथ आर एबल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम।
तो डेटा जा भी रहा है, डेटा आ भी रहा है एट अ टाइम, इसमें सिर्फ एक साइड से जा रहा है, वो दूसरी साइड से सिर्फ तब आ सकता है जब एक साइड से स्टॉप होगा। तो अब इस फुल डुप्लेक्स में चैनल को हम यूटिलाइज ऐसे करते हैं, चैनल का मतलब है कम्युनिकेशन चैनल, ये जो लाइन है जो इनको कनेक्ट कर रही है कम्युनिकेशन मीडियम, इस चैनल को हम यूटिलाइज करते हैं कि ये सिचुएशन सेंड भी कर रहा है रिसीव भी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फोन पे बात कर रहे हो, यू आर एबल टू हियर एंड स्पीक, आप दूसरे का सुन भी रहे हो और यहाँ से बोल भी रहे हो एट अ टाइम, दोनों चल रहे हैं। इसी तरह मैं इस वक्त यहाँ पे कनेक्टेड हूँ आपके साथ जूम के थ्रू, अगर आप में से कोई अनम्यूट करेगा तो मैं उसको सुन भी सकता हूँ, वो वहां से बोल भी सकता है, दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। तो दिस इज कॉल्ड फुल ड्यूप्लेक्स। और अगर चैनल को फुली यूटिलाइज करना है तो वी वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, जो कि हम इंटरनेट में यूज करते हैं, जो डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास है वो हम यूज करते हैं। दिस इज प्रिमिटिव वन, सिर्फ कुछ सिचुएशन में यूज होता है, जैसे वायरलेस है जो आर्मी पर्सनल यूज करते हैं, या वाकी टाकी है, उनमें वन वे कम्युनिकेशन होती है, जब एक बोल रहा है तो दूसरे सुन रहा है, जब दूसरा बोल रहा है तो एक सुन रहा है। तो देन दिस वन इज यूज्ड टू कनेक्ट सम कंपोनेंट्स टू द कंप्यूटर, जब आप एक साइड से खाली कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो जहां सेंडर और रिसीवर होगा, तो ये उस वक्त कम्युनिकेशन होगी जब हमारे पास सेंडर और रिसीवर के डेजिग्नेटेड जॉब्स होंगी, कि ये सिर्फ सेंडर है और ये सिर्फ रिसीवर है, तब जाके हमें फिर टू वे कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है। हमको पता है कि कीबोर्ड कभी भी रिसीव नहीं कर सकता, तो हम ऐसी चैनल क्यों यू वेस्ट करेंगे जो कि बोथ साइड से काम करती है, क्योंकि ये यहाँ से रिसीव ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, तो अगर हमारे पास एक भैंस है, हम उसके आगे कोई भी म्यूजिक या बीन बजाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह हमारे पास ये है यहाँ पे कीबोर्ड, और कीबोर्ड की खासियत ही यही है ये कि सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, ये रिसीव नहीं कर सकता। तो इन दैट केस हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन मीडियम सिर्फ सिंप्लेक्स ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मीडियम बहुत चीप होता है, क्योंकि अगर इस किस्म का मीडियम है जो एक ही साइड से कर रहा है तो ये चीप भी होगा और इसके डिजाइनिंग भी सिंपल होगी। लेकिन अगर हम डुप्लेक्स चाहते हैं तो डुप्लेक्स में बोथ साइड से डेटा आ भी रहा है जा भी रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट, कि यहाँ पे कोल्यूजन नहीं होनी चाहिए, कैसे हम इस कम्युनिकेशन मीडियम पे डेटा को भेजेंगे भी और सेंड रिसीव भी करेंगे, तो उसके लिए वी रिक्वायर एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो दीज आर द वेज ऑफ कम्युनिकेशन। देन वी हैव टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। ये जो हमारे पास कनेक्शन है, कनेक्शन का मतलब है कम्युनिकेशन मीडियम। अब किस किस्म से कनेक्ट हम करेंगे, जब आप घर में कनेक्शन देते हो, फिटिंग करते हो पावर सप्लाई की, तो इलेक्ट्रिफिकेशन करते हो, तो यू डिजाइन कैसे कनेक्ट करना है, जो हम आपके पास इलेक्ट्रिशियन होता है वो वायर्स को लेआउट करता है डिफरेंट तरीकों में से, तो ये डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड होंगे इस कम्युनिकेशन के थ्रू। तो देयर आर टू वेज, टू मोर टाइप्स ऑफ कनेक्शन। एक है जिसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है दो डिवाइसेस है, डिवाइस ए एंड डिवाइस बी, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन लिंक। इनके दरमियान डायरेक्टली एक लिंक डाल दी गई है, ए बी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। व्हेन वी हैव टू डिवाइसेस दे आर कनेक्टेड बाय अ फिजिकल लिंक, उनके दरमियान एक फिजिकल लिंक है, या इथरनेट लिंक है, कोई कार्ड है, लैन कार्ड है, लैन लिंक है, लैन कनेक्शन है, उसके थ्रू मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, वी कॉल दिट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। लेकिन अगर हमारे पास लैन है सिस्टम में, अब ये पॉसिबल नहीं है हर बार कि हम दो सिस्टम को एक डेडिकेटेड, यहाँ पे एक डेडिकेटेड लिंक होती है, डेडिकेटेड लिंक होती है, डेडिकेटेड लाइन होती है जो कनेक्ट करती है दो स्टेशन को। अब वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम, हम इस लाइन को, ये जो लाइन वायर हमारे पास होती है, ये बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। दूसरा, ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तीसरा, इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो हम एक लाइन, इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि हम दो डिवाइसेस के दरमियान अलग से एक इंडिविजुअल लाइन दे देंगे उनको, डेडिकेटेड लिंक। व्हाट वी डू, वी शेयर दिस लिंक, इस लिंक को हम शेयर करते हैं। इसी लिंक के साथ हम मल्टीपल स्टेशन को कनेक्ट कर देते हैं, स्टेशन वन, स्टेशन टू, स्टेशन थ्री,
इनको एक ही लिंक के साथ हम कनेक्ट करते हैं। जैसे सिस्टम होती है, जो हमारे पास लैब है, लैब में सिस्टम्स है, तो हम सब सिस्टम्स को एक ही वायर हम कनेक्ट करते हैं सबके दरमियान, और वी कनेक्ट देम विद डिफरेंट कनेक्शंस। ये हमारे पास डिवाइसेस होती है जिनके थ्रू इनको कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो वायर हमारे पास होती है, जो कम्युनिकेशन मीडियम हमारे पास होता है, वो एक ही होता है। अब इस मीडियम को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं मल्टीपल डिवाइसेस, दिस कम्युनिकेशन मीडियम इज बीइंग शेयर्ड, तो इसको हम कहते हैं मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट का मतलब है, पॉइंट यहाँ पे है नोड्स, जहां नोड्स की बात हम करेंगे। नोड्स का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हम चैनल के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो यहाँ पे मल्टी पॉइंट में लिंक हमारे पास एक ही होती है, इस लिंक के साथ वी कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस एंड दिस लिंक इज शेयर्ड बिटवीन दीज डिवाइसेस, इसको हम शेयर करते हैं इन डिवाइसेस के दरमियान। अब इससे फायदा एक आ जाता है हमारा कि लिंक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इन चार डिवाइसेस के दरमियान करते तो वी रिक्वायर फोर कनेक्शंस बिटवीन एवरी टू डिवाइसेस। जैसे मेन फ्रेम को कनेक्ट करना है इन तीन के साथ, तो मुझे तीन लिंक चाहिए, एक इसके साथ, फिर एक लिंक इसके साथ, फिर एक लिंक इसके साथ। फिर स्टेशन को कनेक्ट करना था इन दोनों के साथ, तो इसमें जो फार्मूला आते हैं n into n minus 1 divided by 2, तो अगर हमारे पास चार डिवाइसेस है तो दिस मीन्स वी रिक्वायर 6 नंबर ऑफ केबल्स, तो एटलीस्ट 6 केबल्स होनी चाहिए जो इन चार डिवाइसेस को फिर कनेक्ट कर पाए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू, ताकि हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट रहे। लेकिन अगर हमने शेयर किया तो वी रिक्वायर जस्ट 1 केबल, तो एक ही केबल की जरूरत है यहाँ पे, और वी आर सेविंग कॉस्ट, ठीक। और दूसरा, इन 6 केबल्स को मेंटेन करना, अब देखो अगर सिस्टम 50 है तो फिर कितनी वायर जरूरत लगती है, और उन वायर्स का एक वो जो मैश एक बन जाता कहाँ पे लैब में, उनको फिर हैंडल करना, और फिर ये समझना कि कौन सी वायर किसको कनेक्ट कर रही है। जैसे वो BSNL ऑफिस के वो बूथ्स होते हैं ना बहुत जगहों पे, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ वायर्स होती है, वहां समझ ही नहीं आता है कि कौन सा किसके साथ कनेक्टेड होगा, तो यही से वैसे ही यहाँ पे हो जाता है। तो जब हम मल्टी पॉइंट पे जाते हैं तो मल्टी पॉइंट में ये बेनिफिट है कि एक ही लाइन को हम मेंटेन करते शेयर करते, लेकिन जब एक ही लाइन आएगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी, कि अगर ये सेंड करना चाहता है इसी डिवाइस इसी कम्युनिकेशन लिंक पे, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रूल्स, वी हैव डिफरेंट रूल्स दैट आर अप्लाइड टू दिस कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि ये जो लिंक है हमारे पास, वी आर एबल टू शेयर दिस लिंक। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ कनेक्शंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। देन वी हैव सम मॉडल्स, कम्युनिकेशन मॉडल्स। कम्युनिकेशन मॉडल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, दूसरा को पीयर टू पीयर मॉडल। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, पीयर टू पीयर मॉडल क्या है, ये दो चीजें भी हमें समझनी है नेटवर्किंग में। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है क्लाइंट सर्वर का, हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस है और एक बॉस है जिसको हम सर्वर कहते हैं, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये रेस्पॉन्सेज देता है। दिस इज वन वे ऑफ कनेक्शन, वन वे ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। अनदर दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब है यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, हर डिवाइस इज इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पे सेम डिवाइसेज है, यहाँ पे ये बड़ा दिखाया गया है, बड़ा का मतलब है इसको कुछ अथॉरिटी है, दिस इज द बॉस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको हम किंग भी कह सकते हैं, दिस इज द किंग ऑफ द नेटवर्क। हर ये जो है ये प्रजा है, ये जो है ये लोग है जो कि इसको रिक्वेस्ट करते हैं और ये फुलफिल करता है। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर नोड इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, तो हर न्यू डिवाइस जो कनेक्टेड है इसके साथ, इसको इक्विवेलेंट पावर्स दिए गए हैं। तो ये दो किस्म के कम्युनिकेशन मॉडल्स हमारे पास है। तो पहले हम सर्वर की बात करते हैं, तो सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं। अब इस सर्वर का काम क्या है, इट इज द सर्वर दैट
shares different resources that fulfills the requests of all the systems in the network. Network में जितने भी systems connected है उन सब को request करना है file के लिए, printer के लिए, किसी resource के लिए, तो उस request को fulfill करने के लिए we have a server. जैसे आप for example आप जब कोई website खोलते हो, मैं यहाँ पे browser खोलता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.google.com. तो what is happening, मैं जब ब्राउजर में ये रिक्वेस्ट देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ किसी को, ये गूगल जो है ये किसी साइट का नाम है जहाँ पे कुछ वेबसाइट की फाइल्स रखी हुई है, वो कहाँ पे है, वो गूगल के किसी सर्वर पे पड़ी हुई है. ये गूगल का सर्वर है जिसका नाम हमने, ये google.com इसका असली नाम आईपी एड्रेस होता है, वो हम देखेंगे आगे वो कैसे कन्वर्ट होता है. तो ये रिक्वेस्ट चली जाती है नेटवर्क के थ्रू इस सर्वर के पास, जो फाइल मुझे चाहिए, जो पेज मुझे चाहिए, वो कहाँ पे है, गूगल के पास है, उनके सर्वर पे. तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे चली जाती है, यहाँ पे ये इस फाइल को ढूंढ के मुझे वो रिक्वेस्ट फुलफिल करके इस पेज को दे देता है, मुझे वो पेज मिल जाता है. अब वो पेज ब्राउजर में आ जाता है और मुझे गूगल लोड हो जाता है, मुझे गूगल लोड हो जाता है और बोलता है सर्च करो जो भी करना है. अब इस पेज की कोडिंग जो कहाँ पे है, सर्वर पे. तो यहाँ पे बॉस कौन सा है, ये सर्वर जिसको हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो हमारा इंटरनेट है दैट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल. जिस इंटरनेट की हम बात करते हैं वहां पे हमें क्या है, हम जो भी वेबसाइट खोलते हैं, जिस भी जगह पे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, वी आर यूजिंग दिस क्लाइंट सर्वर मॉडल. मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट किसके थ्रू इनिशिएट होती है, ब्राउजर के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू इनिशिएट होती है रिक्वेस्ट. वो रिक्वेस्ट चली जाती है सर्वर को थ्रू इंटरनेट. सर्वर कहीं पे होता है, अमेरिका में कहीं और पे, जापान में, चाइना में, जहां पे भी होगा, तो वहां से ये ढूंढ के उस फाइल को जो मुझे चाहिए निकाल के यहाँ लाता है. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप कश्मीर यूनिवर्सिटी पे जाते हो और अपना सिलेबस देखते हो, तो आप क्या करते हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी की साइट को ब्राउजर में खोलते हो, फिर सिलेबस के पेज पे जाते हो, अपना सिलेबस ढूंढते हो, वहां पे आपको वो दिखाता है कि आपका नेटवर्किंग का सिलेबस ये है, वहां पे एक लिंक दी हुई होती है डाउनलोड, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको कुछ समय में एक फाइल मिल जाती है डाउनलोड के लिए, सिलेबस की फाइल, ठीक है. ये फाइल एक्चुअली है कहाँ पे, जो सिलेबस की फाइल है वो मेरे पास नहीं है, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के सर्वर पे भरी हुई है, जो KU का सर्वर है वहां पे भरी हुई है. तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के सर्वर को, उसके सर्वर के किसी हार्ड डिस्क के किसी फोल्डर में वो फाइल पड़ी हुई है, वो सर्वर मुझे वो फाइल दे देता है और मुझे ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है. दिस इज द मेन सिनेरियो ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल. तो सर्वर का काम क्या होता है, ये हमें लिंक्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए, जो मुझे रिसोर्सेज चाहिए उनके लिए मुझे लिंक्स प्रोवाइड करता है. और दूसरे साइड से हमारे पास क्लाइंट होता है, क्लाइंट कोई भी सिस्टम होता है जिसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, विच इज अवेलेबल विद द सर्वर, सर्वर के पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. तो क्लाइंट मेरे पास है और वहां पे सर्वर है और मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लाइंट सर्वर मॉडल यही होता है. सो दिस इज अवर क्लाइंट सर्वर मॉडल. तो ये मैंने भी एग्जांपल दिखाई थी. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रिक्वेस्ट दे रहा हूँ कि मुझे कोई फाइल चाहिए, क्लाइंट वन दे रहा है, ये नेटवर्क के थ्रू जाती है, ये डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेज या राउटर है कुछ, ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, सर्वर के साथ, सर्वर को रिक्वेस्ट आ गई, सर्वर अपनी फाइल में से वो रिसोर्स जो इसको चाहिए ढूंढ के निकालता है और इसको वापस रिस्पॉन्स भेजता है और ये उसको ले लेता है. दिस इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल. देन वी हैव पीयर टू पीयर मॉडल. अब पीयर टू पीयर मॉडल में क्योंकि कोई सर्वर होता नहीं है, तो हर सर्वर, हर सिस्टम जो भी इस सिस्टम में, इस नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, इट कैन एक्ट बोथ एज ए क्लाइंट एज वेल एज ए सर्वर. वर्क स्टेशन होते हैं, तो ये सर्वर भी एक्ट कर सकता है, यानी इसमें जो डिवाइस कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये और ये दूसरा सिस्टम, इसको कोई फाइल चाहिए, ये रिक्वेस्ट करता है और ये सिस्टम बोल रहा है कि वो मेरे पास है,
ये रेस्पॉन्स भेजता है और इसको देता है। तो इस मॉडल में यहाँ पे ये क्लाइंट एक्ट किया और ये सर्वर एक्ट किया। अब दूसरे मॉडल में ये हो सकता है कि इस सिस्टम को कोई फाइल चाहिए, ये रिक्वेस्ट भेजता है नेटवर्क पे। अब नेटवर्क पे ये सर्वर बोल रहा है, ये सिस्टम बोल रहा है कि ये फाइल मेरे पास है, ये रेस्पॉन्स भेजता है और उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे ये एज क्लाइंट एक्ट करता है। तो यहाँ पे हर नोड एक्ट करता है एज ए क्लाइंट एज वेल एज ए सर्वर। तो ये रिक्वेस्ट भी भेज सकता है, ये रेस्पॉन्स भी फुलफिल कर सकता है किसी का। सो दिस इज पीयर टू पीयर। अब ये कहाँ पे लगता है? जब हमारे पास कोई नेटवर्क स्मॉल हो, सिंपल हो, और वहां पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे पास सर्वर होता है, सर्वर बहुत कॉस्टली होता है। सर्वर की मेंटेनेंस, सर्वर को खरीदना, फॉर एग्जाम्पल 3-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख का सर्वर आता है, उसका सॉफ्टवेयर भी, जो सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है। अगर आप लोग देखो, अगर विंडोज सर्वर हमारे पास है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कोर्स के मुताबिक उसका कॉस्ट होता है, तो वो बहुत कॉस्टली होता है। अगर हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे हम सेटअप कर सकते हैं, जो हमारे पास सिस्टम्स है उन्हीं सिस्टम्स को हम सर्वर भी बनाएंगे एंड क्लाइंट भी बनाएंगे। तो उसमें हमें एक अलग से सर्वर रखने की जरूरत। अब सर्वर जब होगा तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी पड़ती है, वे रिक्वायर है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो को उसको पे करना है। लेकिन अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो इसमें इसकी जरूरत नहीं है, इफ वी आर यूजिंग पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क सेटअप, इसमें हर सिस्टम इक्वल होता है, ये याद रखना है। तो ईच मशीन के पास रिसोर्सेज है, वो शेयर कर सकते हैं विद अदर मशीन, रिक्वेस्ट भेजनी है, और पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो भी मशीन जिसके पास ये रिसोर्स होगा वो रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है, क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल।